हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SYA एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज साउथ एशिया। आपको क्या लगता है साउथ एशिया क्या है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। एक और क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई सम ऑफ फीचर्स कॉमन टू ऑल साउथ एशियन कंट्रीज बट डिफरेंट फ्रॉम कंट्रीज इन वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया के अंदर दोस्तों जो कंट्रीज आते हैं कौन कौन से आते होंगे, तो इसके अंदर जो कंट्रीज आते हैं आपके दोस्तों ईरान, अफगानिस्तान भी है ना। हाँ, अफगानिस्तान हम देखेंगे इस लेक्चर में कि साउथ एशिया का भी पार्ट काफी बार कहा जाता है, बट कह सकते बट वो आता वेस्ट एशिया में है। ठीक है, तो अफगानिस्तान आ गया और ईरान, इराक है ना, ये सब जो कंट्रीज हैं आपके वेस्ट एशिया में आते हैं, और सऊदी भी साइड में आ गए, गल्फ भी आ गए। ठीक है, तो ये आपके वेस्ट एशिया नेशंस हो गए। साउथ ईस्ट एशिया हम एशियान के अंदर देख चुके हैं, और आपने वहाँ ऑलरेडी देखा होगा कि 10 साउथ एशियन के नेशंस, पपुआ न्यू गिनी, ये सब जो है ये साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। और यहाँ पे क्या पूछ रखा है, आइडेंटिफाई सम फीचर्स कॉमन टू ऑल साउथ एशियन कंट्रीज। तो साउथ एशियन कंट्रीज में जो फीचर्स कॉमन है वो, बट डिफरेंट फ्रॉम कंट्रीज इन वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ऐसे फीचर्स आप बताइए जो साउथ एशिया की कंट्रीज में है और साथ साथ में वो डिफरेंट है फ्रॉम वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। वी आर ऑल फैमिलियर विद द ग्रिपलिंग टेंशन ड्यूरिंग एन इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच अभी एशिया कप में भी होने वाला है, वुमेन का भी अभी कॉमनवेल्थ में हुआ था, काफी इंटरेस्टिंग रहता है और लोगों का ध्यान रहता है। वी हैव ऑल्सो सीन द गुडविल एंड द हॉस्पिटैलिटी शोन टू विजिटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान फैंस बाय देयर होस्ट व्हेन दे कम टू वॉच अ क्रिकेट मैच। तो आप अगर पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तानी इंडिया है, जनरली अच्छा ट्रीटमेंट होता है ना, जनरली न्यूज व्यूज वगैरह ज्यादा नेगेटिवली मत जाओ, यूजुअली अच्छा ट्रीटमेंट होता है, भाई की तरह ट्रीट किया जाता है। दिस इज सिंबॉलिक ऑफ लार्जर पैटर्न ऑफ साउथ एशियन अफेयर्स। तो यही है भाईचारा, साउथ एशियन भाईचारा है ना, ये है एक चीज। आर्स इज अ रीजन वेयर राइवलरी एंड गुडविल, होप एंड डिस्पेयर, म्यूचुअल सस्पिशन एंड ट्रस्ट कोएग्जिस्ट। तो साथ साथ होता है, तो आपको बड़े अच्छे से रखेगा पाकिस्तानी, बट आप पे थोड़ा बोलेगा ध्यान रखिए, है ना। ऐसे पाकिस्तानी इंडिया में आएगा बोलेंगे बड़ा अच्छे से रखो लेकिन थोड़ा ध्यान दो, ये पाकिस्तानी के साथ थोड़ा ज्यादा है। लेकिन ये मत समझना कि बाकी कंट्री, श्रीलंका बांग्लादेश से नहीं आएगा तो उन पर नजर नहीं रखी जाएगी, उन पर भी थोड़ी सी नजर रखी जाती है। तो दोनों चीजें, राइवलरी भी हो रही है, गुडविल भी हो रहा है ना, होप भी है कि हाँ हमारा फ्यूचर अच्छा रहेगा, है ना। नेबर्स की अगर रिलेशन अच्छे हो तो ट्रेड बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, बहुत बढ़िया है ना, और लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स एक्सेस करते हैं बिटवीन साउथ एशियन कंट्रीज। लेट अस बिगिन बाय आस्किंग एन एलिमेंट्री क्वेश्चन, व्हाट इज साउथ एशिया, जो मैंने आपसे सबसे पहले लेक्चर में पूछा था। द एक्सप्रेशन साउथ एशिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्रीज, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये आते हैं साउथ एशिया में। ध्यान देना दोस्तों, म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया में आता है, अफगानिस्तान वेस्ट एशिया में आता है। ठीक है, द माइटी हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड द वास्ट इंडियन ओशियन एंड द अरेबियन एंड द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ एंड वेस्ट एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड अ नेचुरल इंसुलैरिटी टू द रीजन। इसीलिए सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट की तरह बना हुआ है, ऊपर हिमालय, नीचे इंडियन ओशियन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको बे ऑफ बंगाल भी दिखेगा है ना, एक साइड बे ऑफ बंगाल दिखेगा, दूसरी साइड आपको अरेबियन सी दिखेगा। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह से थोड़ा सा आपको दिखेगा कि थोड़ा सा डिफरेंट है, नेचुरली ज्योग्राफिकली भी डिफरेंट है। इसी की वजह से लोग भी यहाँ पे बाकी जो है प्लेसेस उनसे डिफरेंट है। ठीक है, ज्योग्राफी काफी बड़ा रोल प्ले करती है, हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। विच इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिंग्विस्टिक सोशल कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इस रीजन को सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ी है कॉन्टिनेंट की तरह, इसलिए सब कॉन्टिनेंट, परंतु ये कॉन्टिनेंट है भी नहीं है ना, लेकिन कॉन्टिनेंट की तरह बड़ा भी है इसलिए सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। और नेचुरल ज्योग्राफी जो है वो डिफरेंट लिंग्विस्टिक सोशल एंड कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे साउथ एशिया कंट्रीज में एक्सिस करती है ना। चक्रवर्तीन रूलर आपने सुना होगा, अशोका के बारे में बोला जाता था है ना, चक्रवर्तीन रूलर जो इस रीजन में रूल करता है उसको चक्रवर्तीन बोलते हैं है ना। द बाउंड्रीज ऑफ द रीजन आर नॉट एज क्लियर इन द ईस्ट एंड द वेस्ट एज दे आर इन द नॉर्थ एंड साउथ। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए काफी बार क्या लगता है कि भैया म्यांमार जो बर्मा था पहले, अफगानिस्तान, ये भी लोग बोलते हैं साउथ एशिया में आते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ में क्लियर है, इंडियन ओशियन और हिमालय, लेकिन ईस्ट वेस्ट में कैसे देखे भाई,
अफगानिस्तान एंड म्यांमार आर ऑफन इंक्लूडेड इन डिस्कशंस ऑफ द रीजन एज अ होल, इसलिए बिम्स्टेक है ना और सार्क इसके मेंबर्स हैं, ये कंट्री सार्क का मेंबर है अफगानिस्तान और बिम्स्टेक का कौन है म्यांमार। चाइना इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर बट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द रीजन, अपने नोट्स में लिख लो चाइना जो है नहीं आता। तो चाइना किस पार्ट में आता है, क्या सेंट्रल एशिया में आता है या किस एशिया में आता है, कमेंट सेक्शन में ये भी लिखो। इन दिस चैप्टर वी शैल यूज साउथ एशिया टू मीन द सेवन कंट्रीज मेंशन अबव, तो सात कंट्रीज जो ऊपर मेंशन करें उसको जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो साउथ एशिया में आते हैं। दस डिफाइन साउथ एशिया स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस एंड येट कंस्टिट्यूट वन जियो पोलिटिकल स्पेस, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है दोस्तों, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, नॉट जस्ट इन अमंग पीपल बट अमंग ऑल्सो, कि भैया आपकी फ्लोरा एंड फ्लोरा भी डिफरेंट है यहाँ पे है ना, और लोगों में भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस है यहाँ पे है ना, अलग अलग डाइवर्स, इवन इंडिया में देख लो इतने सारे डाइवर्स लोग हैं, उसके बाद डाइवर्सिटी आपको हर जगह दिखेगी राइट। ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है लड़का, इज देयर अ फिक्स्ड डेफिनेशन ऑफ दीज रीजंस, हु डिसाइड्स दैट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर, कि कोई फिक्स डेफिनेशन है या जिसकी जो मर्जी है वो डिफाइन कर रहा है। द वेरियस कंट्रीज इन साउथ एशिया डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, ये आपको नोट में लिख लेना है कि पॉलिटिकल सिस्टम सब जगह अलग अलग है। डिस्पाइट मेनी प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस श्रीलंका एंड इंडिया हैव सक्सेसफुली ऑपरेटेड एज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम सिंस देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, तो बहुत अच्छी चल रही है डेमोक्रेसी दोनों कंट्रीज में, इंडिया में इमरजेंसी बीच पे आई थी, ओवरऑल कुछ कुछ लीडर जो है वो तानाशाह की तरह एक्ट करते हैं बट यहाँ पे डेमोक्रेसी है। श्रीलंका अभी थोड़ा सा टफ टाइम पीरियड में चल रहा है, अदरवाइज यहाँ पे तो डेमोक्रेसी रहती ही है। तो जब से इंडिपेंडेंस मिली है दोनों देशों को फ्रॉम ब्रिटिश तब से दोनों जगह डेमोक्रेसी है। यू विल स्टडी मोर अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया इन द टेक्स्ट बुक्स दैट डील्स विद पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो मैंने ऑलरेडी ये नोट्स बना रखे हैं, ऑलरेडी लेक्चर बना रखे हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, आप देख सकते हो वहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ सकते हो। इट इज ऑफ कोर्स पॉसिबल टू पॉइंट आउट दैट मेनी लिमिटेशंस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी बट वी हैव टू रिमेंबर द फैक्ट दैट इंडिया रिमेन्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री थ्रू आउट इट्स एग्जिस्टेंस एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, द सेम इज ट्रू फॉर श्रीलंका। हाँ कमियां थी मैंने गिना दी आपको, लेकिन स्टिल एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो हम हैं ही, ठीक है, इमरजेंसी आई कुछ ऑटोक्रेटिक रूलर्स आए बट स्टिल डेमोक्रेसी है, ऊपर नीचे चलता रहता है, प्रेसिडेंट रूल चलता रहता है बट ओवरऑल आप कहोगे डेमोक्रेसी तो है यहाँ पे। डेमोक्रेसी क्या होती है कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है, बेस बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए जब मैं लेक्चर सुन रहा हूँ, डेमोक्रेसी क्या होती है भाई है ना, पता होना चाहिए। बाकी कंट्रीज एक बार देख लेते हैं, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री रूलर्स विद बांग्लादेश रिमेनिंग अ डेमोक्रेसी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, तो 1991 के बाद से बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी है। सिविलियन रूलर्स का मतलब ये होता है कि लोग उनको इलेक्ट कर रहे हैं वो बन रहे हैं, मिलिट्री रूलर्स का क्या होता है जो मिलिट्री हेड होते हैं वही अपने आपको बोल देते हैं भाई मैं ही हेड ऑफ द स्टेट हूँ, जैसे इसके एग्जाम्पल है जनरल परवेज मुशर्रफ, किसी ने वोट नहीं करा किसी ने कुछ नहीं करा, एक दिन उन्होंने बोला कि मैं आज से सुप्रीम रूलर हूँ पाकिस्तान का, उन्होंने नवाज शरीफ को भगा दिया था, ठीक है। पाकिस्तान बिगेन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड विद सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अंडर बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ रिस्पेक्टिवली बट इट सफर्ड अ मिलिट्री कूप इन 1999 में, जो मैंने भी आपको बताया जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को भगा दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्या भगाया था पढ़ना उसके बारे में, हंसी आएगी थोड़ा सुन के, कोई मेरे पाकिस्तानी अगर दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं तो अपना वो अपना पर्सपेक्टिव भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें इसके बारे में। इट हैज बीन रन बाय अ सिविलियन गवर्नमेंट अगेन सिंस 2008, 2008 से यहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ अगेन हटे थे, उसके बाद से सिविलियन गवर्नमेंट चल रही है पाकिस्तान में। टिल 2006 नेपाल वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद द डेंजर ऑफ द किंग टेकिंग ओवर एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो दोस्तों 2006 तक नेपाल जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, मतलब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन तो था लेकिन वहां पे राजा जो होता था वो हेड ऑफ द स्टेट होता था, ठीक है, और वो एग्जीक्यूटिव पावर्स भी ले रहा था। एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब ये है कि वही एग्जीक्यूट करेगा रूल है ना, लॉ को वही एग्जीक्यूट करेगा, बहुत बड़ी पावर होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पावर्स एग्जीक्यूटिव पावर ही होती है, यही पावर्स होती है जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी होती है, इंडिया में एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। इन 2008 द मोनार्की वॉज अबॉलिश्ड एंड नेपाल इमर्ज्ड एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो डेमोक्रेटिक मतलब जो बाय द पीपल फॉर द पीपल है ना वो वर्ड यूज किए जाते हैं और वोट कर सकते हैं लोग उनकी सरकार, रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड है, ठीक है, भारत भी एक रिपब्लिक है, इंग्लैंड जो है वो रिपब्लिक नहीं है, वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो क्वीन होती है, ठीक है। फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ बांग्लादेश एंड नेपाल वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज बिकमिंग एन एक्सेप्टेड नॉर्म इन द एंटायर रीजन ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया में आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी है क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में तो डेमोक्रेसी है ही, ठीक है।
Similar changes are taking place in the two smallest countries of the region. Bhutan became a constitutional monarchy in 2008. और भूटान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था 2008 में. आई होप आपको समझ में आ गया होगा 2000 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है. अंडर द लीडरशिप ऑफ द किंग इट इमर्ज एज अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया 2008 में, परंतु परंतु वहाँ पे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी तो है. समझ में आ रही है ना चीजें, मतलब वहाँ पे रिपब्लिक नहीं है भूटान, क्योंकि वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट जो है वो मोनार्की है, रूलर किंग है ना, लेकिन वहां डेमोक्रेसी तो है. अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पॉलिटिक्स कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए. कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है. मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है वहां, जैसे इंग्लैंड में है, भूटान उसकी तरह चल रहा है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है और डेमोक्रेसी भी है. द मालदीव्स द अदर आईलैंड नेशन वॉज अ सल्तनत टिल 1968 व्हेन इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिपब्लिक विद द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो रिपब्लिक है वो, मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्ट होता है, ठीक है. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है दोस्तों, कि प्रेसिडेंट वहां पे हेड ऑफ द स्टेट होगा, रियल डिफेक्टो और रियल हेड भी, ठीक है. भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रियल हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है ना. लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रियल हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है, ठीक है. प्रेसिडेंट को वहां डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, राइट. इंडिया में प्रेसिडेंट को डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है. अब ये भी इलेक्शंस हुए हैं. इन जून 2005 द पार्लियामेंट ऑफ द मालदीव्स वोटेड अनएनिमसली टू इंट्रोड्यूस अ मल्टी पार्टी सिस्टम. तो मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत सारी पार्टीज हो सकती है, राइट. रजिस्टर्ड होनी चाहिए पार्टीज, जिसको आदमी को जिस पार्टी को वोट करना है उसको वोट कर सकता है. द मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी डोमिनेट्स द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द रीजन और एमडीपी 2018 के इलेक्शंस भी जीता था. Despite the mixed record of the democratic experience, the people in all these countries share the aspiration for democracy. तो लोगों से जब वोट कराया गया तो most of the people want to have democracy. इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है. Democracy is preferred over dictatorship everywhere except in Pakistan. तो dictatorship का मतलब क्या होता है कि कोई elections कुछ नहीं होंगे, जैसे रशिया है ना. हाँ elections हैं वहाँ कहने को, लेकिन पुतिन ही बैठा हुआ है हर बार, है ना. गल्फ में डिक्टेटरशिप है, राइट. ये डिक्टेटरशिप होती है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्ट विलेक्ट कुछ नहीं होगा. जैसे नॉर्थ कोरिया है, किंग जोंग कम यही नाम है ना, वही है, डिक्टेटर बना बैठा है ना, चेंज ही नहीं हो रहा है. स्टालिन डिक्टेटर, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. इवन मेडिवल और एंशियंट टाइम में भी डिक्टेटरशिप होती थी, राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम कि हेड ऑफ द स्टेट जो है उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है. तो दोज हु एग्री विद वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कुछ कुछ पूछा गया है. तो डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल, आप देखो ये ज्यादातर कंट्रीज कह रहे हैं, ये पांच कंट्रीज में जब पूछा गया, एक्सेप्ट पाकिस्तान. समटाइम्स डिक्टेटरशिप इज बेटर, ये कुछ कुछ पूछा गया. इसमें ज्यादा लोगों को वोट नहीं है, काफी लोगों ने बोला डजेंट मैटर टू मी, स्पेशली पाकिस्तान में. देखो ये थोड़ा फनी है, 50% लोग कह रहे हैं हमें मैटर ही नहीं करता भाई, डिक्टेटरशिप रखो या आप डेमोक्रेसी रखो, हमारे लिए तो सब बर्बाद ही है ना, वो ये कह रहे हैं. इवन सरप्राइजिंगली देखो 21% लोग भारत में भी ये कह रहे हैं, नेपाल बांग्लादेश में भी कह रहे हैं. तो लोग थक गए हैं यहाँ के कि भैया कोई भी आओ हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है ना. इसे डजंट मैटर वाले ये बोल रहे हैं, ठीक है. तो लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल, ये लाल वाला बता रहा है, ठीक है. ये वोटिंग कराई गई थी. वेरी फ्यू डाउट द सूटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर देयर ओन कंट्री. हाउ सूटेबल इज डेमोक्रेसी फॉर देयर कंट्री. तो देखो साउथ एशिया में ज्यादातर लोग बोल रहे हैं वेरी सूटेबल, कुछ कुछ बोल रहे हैं सूटेबल. बाकी देखो ये सब चीजें हैं कि हाउ सूटेबल इज डेमोक्रेसी फॉर योर कंट्री. इसमें वोट Both these graphs are based on interviews with more than 19,000 ordinary citizens in five countries of the South Asia. और ये वोटिंग वगैरह कराई गई थी. डेटा होता है दोस्तों, काम आ जाता है. हाँ आप कह सकते हो 19,000 लोग होते ही क्या है, भारत में तो 125 करोड़ लोग हैं, सबसे पूछो है ना, पाकिस्तान में भी खूब भरे हैं, तो ठीक है. लेकिन थोड़ा सा आइडिया लग जाता है दोस्तों, है ना, डेटा के साथ थोड़ा सा आइडिया लग जाता है. और कुछ नहीं लगता तो आंसर्स और प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्पफुल मिल जाता है, ठीक है, हेल्प मिल जाती है, ठीक है दोस्तों. तो ये है एक डायरेक्शन है. हाँ टोटली डेटा तो सही कहना सही है नहीं जब तक आप सब लोगों से ना पूछ लो. ये 19,000 लोगों ने बताया पांच कंट्रीज में, ठीक है. अ रीसेंट सर्वे ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द पीपल एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल इन द फाइव बिग कंट्रीज ऑफ द रीजन शोड दैट देयर इज वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी इन ऑल दीज कंट्रीज. ये जो अभी हमने पढ़ा कि लोग ज्यादातर डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करते हैं. Ordinary citizens, rich as well as poor, belonging to different religions, view the idea of democracy positively. सपोर्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हमें वोट का अधिकार होना चाहिए, है ना.
इलेक्शंस होने चाहिए, हम चूज करें अपनी सरकार. दे प्रिफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड थिंक दैट डेमोक्रेसी इज सुइटेबल फॉर देयर कंट्री. है ना, डेमोक्रेसी बेटर है, और कोई ऑल्टरनेटिव हमें समझ नहीं आता. क्योंकि जब मिलिट्री बहुत बुरा करती है तो उसका कोई तोड़ ही नहीं है, जो अभी म्यांमार में हो रहा है. These are significant findings as it was earlier believed that democracy could flourish and find support only in the prosperous countries of the world. तो इतना डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काफी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये थ्योरी देते थे, और मैं भी कहीं ना कहीं ये बोलता हूँ कि डेमोक्रेसी जो है वो अमीर कंट्रीज के लिए सुटेबल है, उन कंट्रीज के लिए सुटेबल है जो जो सेटल्ड हो चुके हैं, जो सेटल्ड हो चुके हैं. ये डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, इनके लिए डेमोक्रेसी सही नहीं है. ठीक है, तो मैं भी इस पॉइंट पे थोड़ा सा फेवर करता हूँ. क्यों? क्योंकि इन लोगों को समझ है नहीं दुनिया की, है ना, रिलीजन, जेंडर, है ना, उसकी बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, है ना. उनसे क्या वोट कराओगे? ठीक है, आपका क्या व्यू है इसके बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ठीक है, बट ओवरऑल जो लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज बेटर, सबके बारे में मालदीव नहीं पढ़ेंगे, बांग्लादेश पढ़ेंगे उसकी जगह. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दे रखे हैं दोस्तों, जो यूनाइटेड नेशंस ने स्टार्ट करे थे और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आया है. तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ आइडिया लग जाता है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पूरी दुनिया की 72.2 है, डेवलपिंग कंट्रीज की 70.7 है, और साउथ एशिया की 69 है, भारत की देख लो 68.8 है. ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, ठीक है, 17 है टोटल, ये आपको दे रखे हैं. ऐसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.6, 4.1, 4.6 अडल्ट लिटरेसी. ठीक है, परसेंटेज एजेस 15 एंड 18 ओल्डर की कितने लिटरेट लोग हैं, तो 82% वर्ल्ड में, 81% डेवलपिंग कंट्रीज में, साउथ एशिया में 68% है, भारत में 69% है. तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें काम करना जरूरी है. श्रीलंका में देखो 91% पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अभी इन्होंने मचा दी अपनी देश की. ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब सेकेंडरी एजुकेशन में कितने लोग जा रहे हैं, ठीक है, चौथा गोल है 4.1, पूरी दुनिया में 79, डेवलपिंग कंट्रीज में 75, भारत में भी 75, और ये बाकी कंट्रीज का भी दे रखा है. पाकिस्तान में देखो थोड़ी सी पढ़ाई लिखे लोगों की कमी है. जीडीपी पर कैपिटल 15,000 वर्ल्ड का, 10,000 डेवलपिंग कंट्रीज का, भारत का 6,000, है ना, ये सब जीडीपी है. इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मतलब कितने बच्चे मर जा रहे हैं 1,000 बर्थ में, 30 दुनिया में, 32 डेवलपिंग कंट्रीज में, और सब ये दुनिया का दे रखा है. और पाकिस्तान और भारत ने यहाँ गंदी मचा रखी है, स्पेशली पाकिस्तान ने, काफी काफी बच्चे मर रहे हैं, और ये बम रखे बैठे हैं, दोनों देश गधे हैं ना, अपने बच्चे तो बचा लो, स्पेशली पाकिस्तान, है ना. फिर ट्यूबरक्लोसिस के केसेस कितने आ रहे हैं, 140 दुनिया में आ रहे हैं, 164 आ रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, और ये अगेन देखो ये कंट्रीज ने खूब सारे ट्यूबरक्लोसिस के केसेस आ रहे हैं. ठीक है, भारत भी कोई पीछे नहीं है, पाकिस्तान ने तो हद ही मचा रखी है. पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी, है ना, ये थोड़ा सा दुनिया का स्टेटस में है नहीं कि पुअर कितने लोग हैं, इसका मतलब है परचेसिंग पावर पैरिटी में $2 से कम जो कमा रहा है वो पुअर है. तो भारत में खूब सारे गरीब हैं, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रेटिंग दे रखी है 136, 130, 76. इस रेटिंग का आजकल मजाक उड़ने लगा है कि HDI रेटिंग 76 है श्रीलंका की, और हालत देखो आज क्या हो गई है, और भारत की रेटिंग इतने पीछे कर रखी है और हालत क्या हो गई. तो कहीं ना कहीं रेटिंग्स का थोड़ा सा एक क्वेश्चन उठता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है ना, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है इन रेटिंग्स की. तो ये है, ये इंटरेस्टिंग स्टैट्स है दोस्तों, हमें आइडिया देते हैं, है ना, आइडिया देते हैं हमें. हाँ, सैक्रोसेंट नहीं समझना चाहिए, दिल पे नहीं ले लेना चाहिए, लेकिन हमें आंसर्स में लिखना चाहिए, इसका थोड़ा सा आइडिया ले लेना चाहिए कि हाँ हाँ हम कम्प्लीटली इन रेटिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें चीजें इंप्रूव तो करनी है. क्या इंप्रूव करनी है? भारत एक एक स्टैट को इम्प्रूव कर रहा है. तो ये था लेक्चर दोस्तों साउथ एशिया के बारे में, आई होप आपको अच्छा लगा. कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. थैंक यू. इन दैट सेंस द साउथ एशियन एक्सपीरियंस ऑफ अ डेमोक्रेसी हैज एक्सपेंडेड द ग्लोबल इमेजिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. पर ये बात तो बिल्कुल सही है कि इन देशों ने, स्पेशली भारत ने प्रूव कर दिया कि डेमोक्रेसी एक सक्सेसफुल मॉडल तो है इन कंट्रीज के लिए. ऐसा नहीं है कि डिक्टेटरशिप ही चलनी चाहिए जो अंग्रेज स्पेशली बुरा करते थे. भारत तो स्पेशली एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी का. Let us look at the experience of democracy in each of the four big countries of the region. तो एक एक countries दोस्तों हम next lectures में पढ़ेंगे. पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, है ना.